अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स आरदस न्यूज के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जॉब्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई हैं, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से मेज़ ऑफ फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को और से देखना है, इसको एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है। सिंपली आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार। ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और ये जो पहली वेबसाइट है जॉब बाजार डॉट इन्फो, इसको आपने ओपन कर लेना है। जब आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे लेटेस्ट जॉब्स इन दिस वीक और सिविल एविएशन का आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पोस्ट ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे सिविल एविएशन अथॉरिटी की जॉब्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी जो है जॉब होती है सिविल एविएशन की, तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। अब आपने वीडियो को देखना है, समझना है और एंड तक आपने इसको गौर से देखना है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है, एयरपोर्ट सर्विसेज में। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इसकी 24 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास एमबीए या फिर एमपीए या फिर आपके पास एमपीए होता है, मतलब वो क्या कहते हैं मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी में या होटल मैनेजमेंट में अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड डिवीजन में या 2.6 या 4 आपकी CGPA होनी चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसमें अगर नेक्स्ट बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड 2 है, ठीक है। एयरपोर्ट सर्विसेज में 50 वैकेंसीज हैं। इसमें इंटर क्वालिफिकेशन हो FA FSC ICOM DCOM ICS अगर आपके पास है सेकंड डिवीजन में या 55% मार्क्स हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। 55% से कम मार्क्स वाले नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सीटों की बात करें तो इसमें मेरिट और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित, KPK, पंजाब, सिंध, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसी तरह बाकी का भी यहाँ पे कोटा है। तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई तजर्बा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जॉब है, इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना है, कोशिश करनी है कि इसमें लाजमी अप्लाई करें। ओके, अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है और इसकी जो बाकी जो प्रोसीजर है वो आपने पहले तो इसको रीड कर लेना है, जो कि इसकी कंडीशन है, ये TORs वगैरह, तो यहाँ पर आपने इसको सारा देख लेना है। ओके, अब यहाँ पर आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर अप्लाई क्लिक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सिविल एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 22, ठीक है। ये बाकी आपके काम के नहीं है, ये उनके लिए जिनके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट सर्विस इसी के आगे यहाँ पर ये 14 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 14 सितंबर तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने अप्लाई ऑनलाइन के इस ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करना है। एप्लीकेंट नेम मतलब अपना नाम, ईमेल, दोबारा ईमेल, पासवर्ड कोई भी आसान से जो आपको बाद में याद रहे, और ये टाइप पासवर्ड और ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है ना H27ZH, इसके ऊपर आपने मतलब ये ही ऊपर लिखना है, ठीक है, जो आपको नजर आए ये ऊपर लिखना है और फिर सबमिट कर देना। आपके सामने फॉर्म आ जाएगा और फिर आपने उस फॉर्म को फिल कर लेना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।